हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी का पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन की योजना। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? व्हेन वॉज द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड? तो इसका आंसर क्या होगा? 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सबसे पहले कहां से शुरू हुई? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। इन विच स्टेट्स द मिड डे मील वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। अब मैं मिड डे मील के बारे में आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। देखिए, अब मिड डे मील के फायदे क्या हुए? पहला तो ये फायदा हुआ कि इस योजना से जातिगत पूर्वाग्रहों यानी कास्ट प्रेजुडाइस को दूर करने में सहायता मिली। जातिगत पूर्वग्रह क्या होते हैं? जैसे जो जात के बेसिस पे, जाति के आधार पे जो भेदभाव किया जाता था, तो उसको दूर करने के लिए इस योजना ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, इस योजना से जातिगत पूर्वग्रहों को दूर करने में सहायता मिली, कास्ट प्रेजुडाइस को। और सेकंड है कि कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। और नेक्स्ट है गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया, यानी एडमिशन और इनरोलमेंट, इनकी भी संख्या काफी बढ़ गई। इनरोलमेंट बढ़ गया, अटेंडेंस बढ़ गई, तो इसमें क्या हुआ, बच्चों ने नियमित स्कूल आना प्रारंभ कर दिया। और फिर सब बच्चे जो अमीर गरीब थे एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अब लिटरेसी रेट जो था वो भी काफी इंक्रीज हुआ और असमानता अनइक्वालिटी वो भी खत्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो भारतीय संविधान का मसौदा था उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजा पार्क्स कौन थी? हु वाज रोजा पार्क? तो रोजा पार्क एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। इसके बारे में हम रोजा पार्क के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके जो पूर्वज थे, उनके जो एंसिस्टर्स थे, उन्हें अफ्रीका से लाया गया था और उन्हें गोरों का दास बना दिया गया था। जो वाइट पीपल थे उनका स्लेव बनाया गया था उन्हें। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो कहते थे इतना समय बीत गया है फिर भी हमारे साथ आज भी असमानता का व्यवहार होता है, हमें इक्वल राइट्स नहीं मिली। जबकि 1950 में एक मूवमेंट, एक आंदोलन इसके लिए हो चुका था। अब क्या था, जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी। ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल के होटल, सिनेमा हॉल, स्कूल्स और भी कई पब्लिक प्लेसेस थी, जो भी थी वहां पर वो नहीं जा सकते थे और तक कि ये लोग ट्रेवल भी साथ में नहीं कर सकते थे। बस में एक साथ बैठ नहीं सकते थे। ब्लैक लोग जो थे वो बस के पीछे वाली सीट पर बैठते थे और जो वाइट पीपल थे वो आगे, जो उनकी सीट्स होती थी वो आगे होती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि जो रोजा पार्क थी वो बहुत, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, वो पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वाइट पीपल की सीट पर आकर बैठ गई और उन्होंने वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया। ये 1 दिसंबर 1955 की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया, सिविल राइट्स मूवमेंट। फिर इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि जो सिविल राइट एक्ट था वो 1964 में पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द
सिविल राइट्स एक्ट वॉज पास्ड 1964. अभी मैंने आपको पहले बता भी चुकी हूँ, बताया मैंने कि नागरिकता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, 1964. तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में फिर ये हो गया कि जो ब्लैक पीपल थे उनको इक्वल राइट्स मिली, उनके बच्चे भी व्हाइट पीपल के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके बच्चे भी वही उसी स्कूल में जाने लगे, और जो व्हाइट पीपल की पब्लिक प्लेसेस थी, जो उनके होटल सिनेमाज वगैरह थे, वहां पर भी ब्लैक पीपल्स वगैरह को जाना अलाउ हो गया, वहां पर भी वो जा सकते थे. और अब ये लोग क्या करते थे, साथ में ट्रेवल भी करते थे, तो इनको अब ब्लैक पीपल को पूरी इक्वल राइट्स मिल गई थी व्हाइट पीपल के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसएबिलिटीज एक्ट. तो इसका आंसर क्या है, 1995. विकलांगता अधिनियम कब पारित हुआ, 1995 में. इसमें ये था कि जो भी डिसेबल लोग हैं उनके साथ जो परेशानियां होती हैं वो जितनी जिस हद तक कम की जा सके, तो उसके लिए सरकार ने एक एक्ट पारित किया. जैसे जो भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह हैं वहां पर रैंप वगैरह बनाए जाएं ताकि जो डिसेबल लोग हैं उनको आने जाने में परेशानी ना हो, और इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फैसिलिटीज दी गई, और काफी चीजें थी जो डिसएबिलिटी एक्ट में गवर्नमेंट ने उसमें लागू की. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके बारे में फिर और आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज जूठन. जूठन जो थी किसकी आत्मकथा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि. हु इज फेमस दलित राइटर, जो फेमस दलित राइटर है वो कौन है, उसका भी आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रसिद्ध दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि. तो जरा इस जूठन के बारे में, जूठन जो उनकी आत्मकथा थी उसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं कि जूठन जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा. उसमें उन्होंने अपने जो उनके अनुभव थे, जो स्कूल टाइम में जो उन्होंने देखा या बाद में भी जो चीज उन्होंने अनुभव की उसके बारे में उन्होंने जूठन बुक में लिखा. उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि उन्हें जमीन पर बिठाया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था. जब वो स्कूल जाते थे तो क्या होता था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको जमीन पर बिठाया जाता था, बाकी बच्चों को मैट पर बिठाते थे और उनको जमीन पर बिठाते थे. क्यों? क्योंकि वो दलित थे. वो क्लास के बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उनको कई बार बिना किसी कारण के मारा जाता था. जब वो क्लास फोर्थ में थे तो वो बताते हैं कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनसे कहा कि पूरे ग्राउंड और पूरे स्कूल में उन्होंने झाड़ू लगानी है. तो वो कहते हैं कि मेरे फिजिक के हिसाब से ग्राउंड और स्कूल बहुत बड़ा था. फिजिक के हिसाब से मतलब कि जब वो क्लास फोर्थ में थे तो आप समझ सकते हैं क्लास फोर्थ का बच्चा बहुत छोटा होता है. तो कहते थे कि मेरे हिसाब से स्कूल और ग्राउंड बहुत बड़ा था, तो मुझे उसमें पूरी झाड़ू लगानी पड़ती थी. और जब वो पानी पीना चाहते थे तो उनको पानी भी पीने नहीं दिया जाता था. क्यों? क्योंकि वहां पर जो नल था वो उसमें वो पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि वो दलित थे. तो जूठन बुक में, जूठन जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने अपने लाइफ के इन्हीं अनुभव को लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिस ऑन विच वी आर ट्रीटेड अनइक्वली. तो इसका आंसर क्या होगा, कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और क्लास बैकग्राउंड. वो कौन से आधार हैं जिनके ऊपर हमारे साथ असमान व्यवहार किया जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वर्ग, पृष्ठभूमि.
यही सब कारण है, यही सब आधार है जिनके ऊपर जिनके ऊपर हमारे साथ जो है अनइक्वालिटी ट्रीट की जाती है, जैसे धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, रिलीजन है, रेस है, इन सब चीजों के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, कि कोई साउथ में किसी का जन्म हुआ है तो वो जो जो नॉर्थ में जन्मे हैं तो उनमें मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि तो ये सब मतलब जो नॉर्थ वाले हैं वो नॉर्थ वालों को ही पसंद करते हैं, साउथ वाले साउथ वालों को पसंद करते हैं, तो यही सब जो अनइक्वालिटीज हैं, तो जो अनइक्वालिटीज हैं जो मैंने नीचे 5-6 कारण दिए हैं, यही आधार है अनइक्वालिटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका आंसर क्या होगा? इक्वालिटी। प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या है? समानता, इक्वालिटी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है ये, इसको एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। व्हेन पर्संस आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डैश इज वॉयलेटेड, तो आंसर क्या होगा इसका? डिग्निटी। जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनकी बुरी तरह प्रभावित होती है गरिमा, आंसर क्या होगा? गरिमा। जब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा बुरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है, तो मैंने इसको एज अ फिलअप किया है, क्वेश्चन इसमें से घूम के कैसे भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी फिलअप ही है, एवरी पर्सन इज डैश बिफोर डैश, तो क्या है? हर एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रू लॉस, और जो सेकंड है वो होगा थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। दो तरीके जिनके द्वारा सरकार ने संविधान में समानता को लागू करने का प्रयास किया है, पहला है कानून द्वारा और दूसरा है सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं द्वारा। नेक्स्ट है, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज अ सिफर, टू लिव वर्थली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज, इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ड्राइव्स स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन, तो इसको किसने लिखा है, किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको हिंदी में भी हम देख लेते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हिंदी में भी देख लेते हैं, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, प्ले ग्राउंड्स हो, पार्क्स हो, कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर हर कोई जा सकता है, कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट क्या है?
पार्लियामेंट फर्स्ट है कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर डेमोक्रेसी, सेकेंड है वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हिंदी में देख लेते हैं, संसद, संसद क्या है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और सेकेंड है हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब हम कुछ पेयर्स कर लेते हैं, इसको पहले हम इंग्लिश में करेंगे फिर बाद में हिंदी में करेंगे। फर्स्ट है क्रेडिट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। तो क्रेडिट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट का आंसर क्या होगा, रोजा पार्क। सेकंड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में इसका आंसर क्या होगा, वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स। वोटिंग राइट्स टू ऑल एडल्ट्स इसमें क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में ये इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, ये शो करता है कि हर कोई इक्वल है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जात पात का कोई मतलब नहीं होता, ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं होता है, वोट देने का अधिकार जो होता है वो सबको होता है, वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड चिल्ड्रन कुक्ड लंच, तो इसका आंसर क्या होगा, मिड डे मील। चलिए अब इसको हिंदी में भी कर लेते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, रोजा पार्क्स को। सेकंड है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका क्या होगा, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। इसको मैं पहले आपको समझाई चुकी हूं कि इसमें कोई जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सबको वोट देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है समानता, इक्वालिटी। नेक्स्ट है सरकारी योजना जिसमें बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना शामिल है, तो इसका आंसर क्या होगा, मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट है दलित, दलित का अर्थ कुचला हुआ टूटा हुआ, जो दलित है वो अपने आप को कुचला हुआ टूटा हुआ ये कहना ज्यादा उनको सही लगता है। इंग्लिश में कहेंगे तो दलित का अर्थ, दलित को किससे रिलेट करेंगे, ब्रोकन से। ठीक है, थैंक यू।